वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने सोचा क्यों ना ये रेस्पिरेशन वाले पार्ट को ख़त्म ही कर दिया जाए पढ़ाकर पूरा, तो अपना फिर उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रह जाएगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा प्लांट वाला पार्ट रह जाए, फिर ट्रांसपोर्टेशन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट हमने क्या देखा था कि प्राइमरी, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है ना, क्या चीज़ दिख रही है आपको? ये ब्रॉन्च, ये देखिए ये ब्रॉन्चेज नज़र आ रहे हैं आपको इस तरह से। ये देखिए सबसे पहले ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया फर्दर कहाँ जाके डिवाइड होता है? ये ब्रॉन्चेस में डिवाइड होता है। ठीक है, दो ब्रॉन्चेस बनते हैं इसमें। उसके बाद ये और फर्दर डिवाइड होता है, ये प्राइमरी ब्रॉन्चेस है। ठीक है, ऊपर वो दिख नहीं पा रहा होगा डायग्राम में, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये प्राइमरी, देखिए अब दिख रहा होगा, प्राइमरी ब्रॉन्चेस है ये। उसके बाद आता है सेकेंड, उसके बाद क्या आता है आपका, आता है सेकेंडरी ब्रॉन्चेस आते हैं। ठीक, पहले प्राइमरी ब्रॉन्चेस में डिवाइड हुआ, उसके बाद फिर ये फर्दर और डिवीज़न हुआ, और ये फिर सेकेंडरी ब्रॉन्चेस में डिवाइड हुआ, सेकेंडरी ब्रांचेस में डिवाइड हुए, उसके बाद सेकेंडरी ब्रांचेस, टर्शरी ब्रांचेस में डिवाइड हुए। मैंने कहा था ना फिर डिवाइड डिवाइड बार बार डिवाइड होते हैं, लास्ट में ये ब्रॉन्चियोल में पहुँचे। फिर ब्रॉन्चियोल का जो टर्मिनल ब्रॉन्चियोल होते हैं, मतलब जो उनके नीचे और जो फर्दर डिवीज़न में आए हैं, वो जो टर्मिनल ब्रॉन्चियोल होते हैं उसमें होती है एलिवोले, जो आपकी साइट ऑफ क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। याद रखिए यहाँ पर इन्होंने एलिवोली को बड़ा करके दिखाया, देखिए ऐसा लगता है जैसे कि ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेप्स का बंच नहीं होता वैसे टाइप का दिखता है कुछ। ठीक है, एलिवोली एनलार्ज हो गई यहाँ पर, देखिए ये है आपके साइट ऑफ रेस्पिरेशन, यहीं पर आपकी क्या होती है ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर यहीं से आपका ऑक्सीजन जो होती है वो डायरेक्ट क्या करती है ब्लड के अंदर ये मिल जाती है, और CO2 जो लाई गई होती है बाहर से वो यहाँ पर इसके अंदर इसको दे दी जाती है, और वो CO2 एलिवोली से होते हुए टर्मिनल ब्रॉन्चियल से होते हुए प्राइमरी ब्रॉन्चियल से होते हुए लास्ट में हमारी कहाँ पहुँचती है, नज़ल कैविटी में पहुँचती है, और फिर जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो वो पूरा क्या करती है बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग इज कंट्रोल्ड बाई डायफ्राम एंड इंटरकोस्टलेसिस मसल्स। देखिए जो ब्रीदिंग होती है वो दो तरह की दो चीज़ों पे बहुत डिपेंड करती है। एक होती है डायफ्राम, जो आपने देखा था ना कि जो लंग्स के नीचे मैंने आपको दिखाया था डायफ्राम होता है वो, और दूसरा इंटरकोस्टलेसिस मसल, जो मसल्स होती हैं हमारी आसपास लंग्स के, ठीक है, उनको कहते हैं इंटरकोस्टलेस मसल्स। तो इन दोनों पे आपका क्या करता है ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थोरेक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। देखिए याद रखिएगा, ये पूछ लेगा एग्जाम में डायफ्राम का, अगर उसने फंक्शन पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम का काम क्या है। वो एक मेम्ब्रेन है और सेपरेट करती है किसको, थोरेक चैम्बर को फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, यानी पूरा आपका लंग वाला जितना भी पार्ट है उन सबको अलग करती है आपके एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, वेन डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर इज इनहेल्ड। देखिए क्या कह रहे हैं, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, डाउन करता है, मूव्स करता है डाउन की तरफ, तो जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और द एयर इज इनहेल्ड, और एयर अंदर आ जाती है। ठीक है, और वेन जब डायफ्राम मूव्स अप, जब डायफ्राम ऊपर होता है तो लंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर आर एक्सहेल्ड। वो भी आपको डायग्राम देख के समझ में आएगा। चलिए आगे डायग्राम ही देख लेते हैं। ये देखिए ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये रिब्स क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिए, डायफ्राम मूव्स अप, जब एक्सहेलेशन कर रहे हैं हम, यानी सांस को क्या कर रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये जो डायफ्राम है ये कहाँ चला जाता है, ये ऊपर की तरफ, ये डायफ्राम जो है ये कहाँ चला गया, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि सारी एयर को निकालना होता है। ठीक है, मगर लंग से सारी एयर नहीं निकलती, पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर तो हमारी परमानेंट हमारे लंग के अंदर रहती ही रहती। उसके बाद डायफ्राम्स क्या करता है, मूव करता है नीचे। कब मूव करेगा ये डायफ्राम, जब आपकी एयर क्या करती है अंदर आएगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है अपनी चेस्ट कैविटी को बढ़ाना है ना, अब हमें एयर को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर भरना है, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा और हमारे ये जो वो हैं लंग्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो कर जाएंगे, फैल जाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर वो फैल जाएंगे। देखा आपने रिब्स क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ मूव्स कर गए, इन कर गए, डायफ्राम मूव कर गए ऊपर की तरफ और एक्सहेलेशन हुआ, यानी एयर बाहर छोड़ दी गई। इनहेलेशन में क्या हुआ, इनहेलेशन में एयर मूव्स इन, एयर अंदर आई और रिब्स ने रिब्स बाहर की तरफ मूव करा, डायफ्राम नीचे की तरफ गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स के अंदर एयर भरी जा सके। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ये डायग्राम है, इसे अच्छे से समझना है। चलिए
तो अभी हमने ये सब तो समझ लिया, अब लास्ट हमारा ये पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। ड्यूरिंग इन्हेलेशन द थोरैक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, जब हम इन्हेल करते हैं ऑक्सीजन मतलब हम ले रहे हैं, तो हमारी जो थोरैक कैविटी है और चेस्ट कैविटी वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, फैल जाती है, ठीक है, फैलती है ना, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हम इनटेक कर पाएंगे। उसके बाद रिब्स क्या होते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह बन सके हमारे लंग्स में। वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होता है, बढ़ जाता है, एयर एंटर कर जाती है लंग्स के अंदर। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम बाहर सांस छोड़ देते हैं तो थोरैक कैविटी जो होती है वो क्या करती है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, रिब्स क्या करते हैं डाउनवर्ड हो जाते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं, और डायफ्राम क्या होता है, डोम शेप हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है, कहाँ चला गया, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और जो वॉल्यूम है लंग का वो डिक्रीज कर जाता है और एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, एग्जिट कर जाती है लंग से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा, लंग्स का ये वाला पार्ट स्पेशली ह्यूमन रिस्पिरेशन। अब जो पार्ट बचा हुआ है वो हमारा प्लांट वाला पार्ट पर बचा है, कल हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।